तो हेलो दोस्तों, मैं समीर और आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड एक्स गेमिंग यूट्यूब चैनल पर। और फिर दोस्तों, आज हम लोग का यहाँ पे बन रहा है कस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं कस्टम और यहाँ पे दो टीम खेलेंगे, एक का नाम है आदित्य और दूसरे का नाम है ऋतिक। तो इन दोनों के बीच आज घमासान युद्ध होगा, एकदम खतरनाक ओपी ओपी ओ मूवमेंट के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा हेड शॉट्स। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा बढ़िया से। और दोस्तों, अगर आप लोग भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारा इंस्टाग्राम का पेज और फिर फेसबुक का पेज और फिर क्या बोलते हैं उसको, वो जो क्या यार क्या आता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम, अगर किसी का भी है आप लोग के पास अगर टेलीग्राम है तो आप लोग टेलीग्राम से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हमने पेज बनाए हैं, आप लोग टेलीग्राम में सिंपली फ्रेंड एक्स गेमिंग सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आप लोग को मिल जाएगा। FXG का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्रीति कुमारी है जो कि ऋतिक भाई है, क्या लिए हैं, डेजर्ट टाइगर। तो चलिए, दोनों टीम ने डेजर्ट टाइगर ही लिया है और आदित्य डेजर्ट टाइगर भी लिया है। तो चलिए देखते हैं कि पहला राउंड में क्या होता है। तो चलिए दोनों ही, तो चलिए चलिए दोनों ही दौड़ लगाए हैं और फिर आदित्य यही है, शानदार कोशिश हेड शॉट की मगर नाकामयाबी के साथ। सामने बंदा नहीं है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये फिर से एक शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर नहीं, निशाना चूक गया। और फिर ये बहुत ही शानदार हेड शॉट देखने को मिला आप लोगों को, 495 का हेड शॉट डेजर्ट डेगर्ट से, ओपी ओपी आदित्य भाई। तो भाई लोग चैट सेक्शन में लिखे आप लोग ओपी हैशटैग, नहीं, ओपी हैशटैग नहीं लिखे यार, हैशटैग आदित्य भाई लिखे, ठीक है। नहीं तो हैशटैग मेरा बाप, नहीं भाई मेरा बाप मत लिखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए ओपी आदित्य, ठीक है। आप चलिए देखते हैं कि हमारे तरफ से ऋतिक भाई क्या करने वाले हैं। तो चलिए दौड़ लगा दिया इन्होंने। और ये क्या, आदित्य भाई का नेट अटक रहा है, देखने का तो ऐसे ही लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका नेट सही नहीं चल रहा है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। तो मुझे लगता है ये राउंड तो पक्का आदित्य तो हारने वाले हैं, तो उसका नेट अटक रहा है। देखिए देखिए ना आप लोग कैसे लैग कर रहा था। तो चलिए दो दो ग्लू लगा लिए हैं और अभी तक तो सब चीज़ ठीक ठाक लग रहा है, देखते हैं। और ये पड़ गया, देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना भाई नेट सही से नहीं चल रहा उनका। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ये राउंड भी जीत जाते हैं हमारे ऋतिक भाई। तो चलिए दोनों का वन 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 राउंड दोनों जीते हुए हैं, दोनों ड्रॉ है। तो फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हमारे ऋतिक भाई ले लिए हैं MP5 और फिर डेजर्ट एगर्ट। तो चलिए देखते हैं मेरा बाप यानी कि आदित्य को देखते हैं, आदित्य लिया है डेजर्ट एगर्ट। चलिए तो वो प्रैक्टिस कर रहा है एकदम हेडशॉट की। और चलिए अभी हम लोग किसको देखेंगे भाई, इसको देखेंगे किसको देखेंगे। वैसे मूवमेंट सब तो तगड़ा, तो ये का लग रहा है, आदित्य का लग रहा है कि नहीं भाई, क्या ही मूवमेंट दे रहा है। और इसका नेट तो सही चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अभी क्या होता है, क्या हमारे ऋतिक भाई मार पाएंगे आदित्य भाई को हेडशॉट, पहले कमेंट सेक्शन में लिखे। और फिर यहाँ में आदित्य की तरफ से देखते हैं। और ये ग्लू, अरे यार ग्लू लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था। अच्छा चलिए, और एक टू हेड शॉट आप लोग को देखने को मिला, 272 का हेड शॉट। चलिए बहुत ही ओपी जा रहा है गेम अभी तो, गेम देख के तो ऐसे लग रहा है, दो राउंड तो अभी तक आदित्य भाई जीत चुके हैं, तो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आदित्य भाई ये राउंड जीतने वाले हैं, ये राउंड मतलब मैच तो जीतने वाले हैं, आदित्य के हाथ में ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऋतिक भाई भी कोई कम नहीं है, ठीक है, उन्हें भी हल्के में ना ले। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पे कौन सी गन है भाई लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सा गन है जो ऋतिक भाई ने लिया है। भाई मुझे नहीं पता ये कौन सा गन है यार, भाई मुझे थोड़ा नॉलेज कम है। और ये क्या, आदित्य भाई ने ले लिया फामस फामस। और ये कैसे दौड़ रहा है भाई, कोई नेट चला गया है का, कैसे दौड़ रहा है, कि हेडशॉट की तैयारी कर रहा है, रुका हुआ है। अच्छा एक शॉट गन है फामस, ग्लू लगा रहे हैं भाई, कर क्या रहा है। अच्छा ग्लू लगा रहा है, पोजीशन बना रहा है। चलिए तो हमारे ऋतिक भाई तो है बहुत ही ओपी, एकदम सब सही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये राउंड पे क्या होता है। भाई लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है। और ये फिर एक बहुत ही शानदार हेडशॉट आप लोगों को देखने को मिला आदित्य भाई की तरफ से। तो भाई लोग चैट सेक्शन में लिखे आदित्य भाई, ठीक है। तो चलिए ये तीसरा राउंड चल रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे ऋतिक भाई आदित्य भाई को हेडशॉट मार पाएंगे। तो और यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आदित्य भाई तो कितना, दो दो तीन गन्स लिए हुए हैं, एक शॉट गन लिए हुए हैं M10 और फिर दूसरा फामस। तो चलिए फामस को आदित्य भाई ने गिरा दिया है, और फिर शॉट गन और फिर क्या लिए हैं, शॉट गन और डेजर्ट एगर्ड। और हमारे तरफ से क्या नाम है इनका, भूल गए भाई, भाई नाम भूल जा रहे यार कमेंट्री करते समय। अरे भाई ऋतिक भाई, भाई कैसे भूल सकते ऋतिक भाई को यार, हमारे ही दोस्त हैं।
हमारे दोस्त थे ऋतिक भाई, और फिर यहाँ जो है अदित भाई। अदित भाई तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, खैर वो भी अभी दोस्त ही हैं, समझिए दोस्त के जैसे ही हो गए। हमारे साथ हर स्ट्रीम में आते हैं, खेलते हैं, अच्छा लगता है। तो भाई लोग आप लोग भी आइएगा, आप लोग को भी ऐसा मौका मिलेगा एकदम तगड़ा कस्टम खेलने का, और फिर हमारे साथ खेलने का मौका मिलेगा अवसर, ठीक है। और फिर चलिए देखते हैं, और ये क्या बॉडी शॉट मार रहे हैं भाई, हेड शॉट की बात भी थी यार, बॉडी शॉट मार रहे हैं ये तो। चलिए ऋतिक भाई ने भी बॉडी शॉट की ट्राई की है, बॉडी शॉट नहीं यार हेड शॉट की ट्राई की थी, मगर बॉडी शॉट लग गया, कोई बात नहीं, होता है होता है। और यहाँ पे हमारे ऋतिक भाई तो डैमेज हो चुके हैं, चलिए हीलिंग कर रहे हैं। और फिर ये क्या, ये चलिए अच्छी कोशिश कर रही है, और ये क्या कर क्या रहा है भाई, पोजीशन बना रहा है। अच्छा ये फिर से नाक हमें ये भी के साथ, और ये बहुत ही शानदार हेड शॉट, फिर एक और शानदार हेड शॉट आप लोग को देखने को मिला। तो भाई लोग कमेंट्री कैसे चल रहा है मेरा बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, हमारे इस सीरीज़ का। हमने न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियोज़ को डालते हैं। अगर आप लोग भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ तो भाई लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं कि आप लोग कब खेलेंगे और कब फ्री होंगे। और फिर दोस्तों अभी तो 28 तारीख तक थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और बहुत लोगों का भी एग्ज़ाम्स आया हुआ है, तो इस कारण बस। अरे यार पढ़ गया, हाँ ऋतिक भाई को पड़ गया एक और हेड शॉट। तो चलिए बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं हमारे अदित भाई, 5 राउंड जीत चुके हैं अदित भाई, और फिर हमारे ऋतिक भाई तो सिर्फ 2 ही राउंड जीते हुए हैं। तो भाई ऐसे में कैसे चलेगा, ऋतिक भाई पावर दिखाना पड़ेगा ना भाई। चलिए देखते हैं कि हम ऋतिक भाई क्या करते हैं, और ये अच्छा ऋतिक भाई लेट के मारेंगे भाई पबजी प्लेयर। अरे नहीं भाई पबजी प्लेयर नहीं, फ्री फायर प्लेयर है भाई। तो चलिए, और ये क्या मुक्के मुक्का मुक्का पे मुक्का मार रहा है, मतलब तैयार है, बोल रहा है कि बुला रहा है आ जाओ नहीं। तो चलिए देख, फिर से नेट जा रहा है, देखो 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 कैसे अटैक रहा है। अब तो एल राउंड तो पक्का हारने वाला है, हारेगा क्या लगता है भाई लोग, आप लोगों को क्या लगता है, अरे ये मुक्केबाजी कर रहा है, मुझे तो लगता है ये राउंड हारेगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए ऋतिक भाई की तरफ से देखते हैं, ऋतिक भाई कहाँ गए, अच्छा वहाँ पर है, और ये चलिए अदित भाई को देखते रहते हैं, इसका फर्स्ट फर्स्ट आया, देखिए इसमें तो पक्का पड़ जाएगा इसको, ये तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं, आदित भाई तो पड़ेगा, आदित भाई को पड़ेगा। उसका शुरू में नेट फंस रहा था ना, देखा देखा गिया 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 भाई गिया, आदित गिया भाई, पलटा दिया, निपटा दिया ऋतिक भाई ने। तो चलिए ऋतिक भाई की तरफ से दो राउंड ऋतिक भाई ने जीत लिया है, बहुत ही ओपी, और फिर अभी वेस्ट भी ले लिए हैं और फिर डेजर्ट एगर। तो चलिए दोनों ही टीम डेजर्ट एगर ली है इस बार, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। और फिर यहाँ कोशिश अच्छी है, और ऋतिक भाई थोड़ा मूवमेंट दिखाइए भाई साहब, क्या कर रहे हो यार, भाई मेरी आवाज़ तो सुन नहीं पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ, तो अगर सुन पाते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। वैसे डिस्कॉर्ड हमने बनाया है, लेकिन अभी हमारी तरफ से ज़्यादा कम्युनिटी है नहीं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए हमने डिस्कॉर्ड का लिंक दिया नहीं है। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डिस्कॉर्ड का लिंक दे देंगे। वैसे आईडी तो मैंने बना लिया है फ्रेंड एक्सचेंज करके, ठीक है, सर्वर बनाया नहीं है, सर्वर भी शायद मैंने बनाया था अच्छा, खैर छोड़िए बात की बात है, बाद में बात करेंगे, अब गेम को एंजॉय करते हैं। और फिर ये ऋतिक भाई, अरे भाई ऋतिक भाई को देखो कितना ज़्यादा डैमेज मिला, और इसको तो इतना कम ही डैमेज मिला आदित को, और ये पड़ गया वहाँ खड़ा होकर, क्या इमोट दिखाने का तैयारी कर रहा था क्या भाई। चलिए उसका बहुत ही बेहतरीन ऋतिक भाई ने फ़ायदा उठाया, हमारे आदित भाई शायद इमोट दिखाने वाले थे ना क्या, वहाँ पर चुपचाप खड़े हुए थे, कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया ऋतिक भाई भी, बहुत ही ओपी। तो दोस्तों आप लोगों को कभी भी चांस मिलता है तो अगले बंदे को छोड़िएगा मत, ठीक है कि आप लोग के पास एक एक मौका, आप लोग की एक गलती और फिर आप लोग प्लाट हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा सावधानी बरतें, ठीक है। तो चलिए यार ऋतिक भाई की तरफ से देखते हैं अभी थोड़ा बहुत, और इनके तरफ से भी देख लेते हैं, इसका भी नेट जा रहा है क्या, क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों लोगों का पिंग शायद अच्छा से नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसे आगे पीछे हो रहा था, ऋतिक भाई भी आगे पीछे हो रहे थे, ए कहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो दोनों ही टीम का नेट थोड़ा स्लो ही चल रहा है, नहीं तो बहुत ही शानदार खेला देखने को मिलता आप लोगों को। तो चलिए अच्छी कोशिश थी मगर नाकामयाबी के साथ। तो चलिए कवर बना रहे हैं हमारे ऋतिक भाई,
और फिर आदित्य भाई पीछा पीछा कर रहे हैं। और ये क्या, दो दो ग्लू। और ये बहुत ही शानदार हेडशॉट, 272 का हेडशॉट आप लोगों को देखने को मिला ऋतिक भाई की तरफ से। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो स्कोर की, तो आदित्य भाई पाँच राउंड जीत चुके हैं और 5 पॉइंट मिले हैं आदित्य भाई को, और फिर ऋतिक भाई को मिले हैं 4 पॉइंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। भागो 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 भाई भागो, दोनों ही भाग रहे हैं। ठीक है, अरे इसका भी ग्लू देखिए कितना लेट लगा, ये ऋतिक का भी। तो भाई लोग यहाँ में दोनों का ही नेट थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, और बाकी दोनों एक दूसरे का फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। ठीक है, कोई भी मौका ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ग्लू लगा है, कितना लेट में ग्लू लगा आप लोगों ने देखा ऋतिक का भी। कोई ना, फिर भी मैच जा रहा है, वैसे दोनों का बराबर ही बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का नेट सही से नहीं चल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं आखिरी विजेता कौन होता है। भाई लोग आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है आदित्य भाई जीतेंगे क्योंकि वो इतना ही राउंड है, देखो बोलते बोलते ही पड़ गया और एक हेड शॉट। चलिए तो यहाँ पे 6 राउंड जीत चुके हैं, 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं हमारे आदित्य भाई को, और फिर हमारे क्या नाम है ऋतिक भाई को मिले हैं 4 पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं अब उसके बाद क्या ऋतिक भाई बराबरी कर पाएंगे आदित्य भाई का। वैसे हार जीत तो होते ही रहती है, ठीक है, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, तगड़े तगड़े गेम प्ले करते हैं। मुझे भी कैसे खेलने सीखना है, उसके बाद फिर भाई लोग हम भी डालेंगे हमारा कस्टम सोलो वर्सेस स्क्वाड वाला है। सोलो वर्सेस स्क्वाड बहुत चलता है भाई लोग, तो हम भी खेलेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड। बस एग्ज़ाम अभी ख़त्म होने दीजिए, एग्ज़ाम आ रही है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर दोस्तों हम लोग करेंगे डबल AWM की प्रैक्टिस। ठीक है ना भाई, चलाने में मज़ा आएगा। बहुत लोग तो बोलते हैं कि अज्जू भाई जैसे मेरा आवाज़ लगता है आप लोगों को, भाई रियलिटी में क्या कैसा लगता है, किसको किसको लगता है भाई लोग, डिस्क्रिप्शन नहीं भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मेरा वॉइस अज्जू भाई की तरह लगता है। मुझे तो नहीं पता। और ये देखिए बोलते ही बोलते एक और ही शानदार हेडशॉट आप लोग को मिला, देखने को मिला आदित्य भाई की तरफ से। और देखते ही ये मैच समाप्त हो चुका है, और यहाँ पर डैमेज की अगर बात करेंगे तो 2656 का डैमेज दिया है आदित्य भाई ने, और फिर भाई पार हो गया यार, बैग दबा दिए थे, कोई बात नहीं। तो चलिए अच्छी बात है। और फिर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग लाइक ठोकिए, जल्दी से लाइक ठोकिए। और आप लोग अगर मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरा UID दिया गया है, उससे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं UID तो दिया हुआ है, लेकिन उससे तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं ना, रिक्वेस्ट सेंड करने से नहीं होगा, आप लोग को हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर ट्विटर में भी आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो नया आया है टेलीग्राम, नहीं नया तो नहीं है, पुराना ही है, टेलीग्राम में भी पेज बना हुआ है, तो उसमें से आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वहाँ से आके आप लोग बातें कर सकते हैं, आराम से बातें कर सकते हैं, लंबी लंबी बातें करेंगे भाई एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।